हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके? बढ़िया। सॉलिड स्टेट लेक्चर 3 लेके आए हैं आज। इसमें आपको नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल से कराएंगे। लास्ट लेक्चर में आपको क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, एक टेबल जिसमें आपको टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के सारे पैरामीटर्स ए बी सी अल्फा बीटा गामा सब कुछ सिखा के आए थे। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आई होगी वो वीडियो। जिसने नहीं देखी हो उस वीडियो को ज़रूर देखना, उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करना। चलिए, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल सब देख के आए थे कि कितने एटम्स होते थे। प्रिमिटिव यूनिट सेल में बताया था आपको कैसे अरेंज होते थे, फेस सेंटर्ड में बताया था और बॉडी सेंटर्ड में बताया था, एंड सेंटर्ड में बताया था, सब में बताया था। अब हम काउंट कर लेते हैं, काउंट रखेंगे कि गिन के याद रखेंगे हम लोग कि किस यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो था प्रिमिटिव यूनिट सेल। सबको याद होगा प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या था। प्रिमिटिव यूनिट सेल में आपके पास में एक क्यूब था, इस तरीके का एक यूनिट सेल था, सबको याद होगा। यूनिट सेल में क्या रखा गया था, इस प्रिमिटिव यूनिट सेल में 8 कॉर्नर्स होते हैं, सबको पता है एक क्यूब के 8 कॉर्नर्स हैं। 8ों कॉर्नर्स पे क्या था, एटम रखे होते थे, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट होते थे, तो हम उसे क्या बोलते थे, प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते थे। याद आ गया होगा सबको जिन्होंने पुरानी वीडियो देखी थी। अब हम क्या करना चाहते हैं यहाँ पर, ये तो हम चीज़ें पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम निकालना चाहते हैं कि अगर मैं इस पूरे यूनिट सेल को काउंट करना चाहूँ कि इस पूरे यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो कैसे काउंट करूँगा मैं, तो उसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ अभी। उस डायग्राम से थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके का कंट्रीब्यूशन है। उससे पहले कुछ बात बता देता हूँ मैं कि ये जो एटम यहाँ पे रखा होता है वो एक इस एटम इस तरीके से रखा होता है कि उसको 8 यूनिट सेल शेयर कर रहे होते हैं। यानी कि ये जो एटम है, एक एटम, वो पूरा इस यूनिट सेल का नहीं है, ये इक्वली डिवाइडेड है। कितने यूनिट सेल में, 8 यूनिट सेल में। कैसे, अभी एक डायग्राम दिखाया जाएगा उससे समझ में आएगा। तो अगर आप कहना चाहो कि अगर मैं कहूँ कि एक स्फीयर या एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या एक एटम 8 यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं, तो अगर एक यूनिट सेल में उसका शेयर निकालोगे तो कितना आएगा, 1/80 तो आएगा। और कितने हैं टोटल, 8 हैं इस तरीके के, और एक एटम कितना शेयर देता है अपना, 1/8, तो 8 × 1/8 करेंगे तो टोटल कितने एटम आ जाएंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल के पास में, 1 एटम आ जाएगा। क्लियर हुआ इतना सबको? अभी नहीं हुआ होगा क्लियर, एक इमेज दिखाते हैं उसके बाद में क्लियर हो जाएगा। ये देखिए इमेज, ये एक प्रिमिटिव यूनिट सेल दिखाया गया आपको, और इसमें जो मैं आपको बताना चाह रहा था वही सब कुछ दिखाया गया है कि एक यूनिट सेल है ये, सिंपल यूनिट सेल ये वाला। अगर आप देखोगे ये एक यूनिट सेल है, इसके एक कॉर्नर पे एटम दिखाया है और ये कॉर्नर पे एटम रखा हुआ है, इसको 8 यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं। कितने यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं, 8, 4 ऊपर रखे हैं, एक ये खुद है और 4 ही नीचे हैं जिसमें एक ये खुद है और 3 इसके आसपास है। 8 यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं एक कोई भी कॉर्नर पर रखे हुए एटम को। क्लियर हो गया ये सब? ठीक है, तो इसी तरीके से हर कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे, यहाँ वाला जो प्रेजेंट होगा इसके ऊपर भी रखे होंगे, यहाँ पे भी और एटम अरेंज होंगे जो कि दिखाई नहीं गए इस डायग्राम में। इसी तरीके से यहाँ भी होगा तो इसके नीचे भी और प्रेजेंट होंगे। तो ये एक छोटा सा पार्ट दिखाया गया क्रिस्टल लैटिस का, जिसमें बहुत सारे यूनिट सेल आपको अरेंज करके दिखाए हैं, ये समझाने की किस तरीके से एक एटम का कंट्रीब्यूशन जो है वो 1/8 रहता है। अब इसका कंट्रीब्यूशन 1/8, इस तरीके के कितने एटम है टोटल, टोटल इस तरीके के हमारे पास में 8 एटम है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 1/8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है बिल्कुल, और क्या आ जाएगा, 1 एटम आ जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई, प्रिमिटिव यूनिट सेल के पास में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 1 होते हैं। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का, BCC बताया था, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। बॉडी सेंटर्ड में क्या होता था बच्चों, सबको पता होगा, याद रहा होगा जिसने पुरानी वीडियो देखी थी, कि एक यूनिट सेल है, एक यूनिट सेल भाई प्रिमिटिव वाला तो सब में रहता था, मतलब कॉर्नर पे तो एटम प्रेजेंट रहते ही रहते हैं, कॉर्नर वाले एटम के अलावा और एटम और जो हैं एटम्स इधर उधर आ जाते थे। बॉडी सेंटर नाम से ही पता चलता है कि एक एटम जो है वो बॉडी के सेंटर में आ गया होगा। 8 एटम तो यहाँ प्रेजेंट हैं कॉर्नर्स पे, इनके ये रहे 8 एटम्स, ठीक है। बाकी एक एटम जो है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, इसके बीचों बीच सेंटर में प्रेजेंट होगा। ठीक, अब ये बताओ कि कोई भी चीज़ मैं ला के रूम के बीचों बीच रख देता हूँ, ठीक है, जैसे सबके घर में रूम है, सब देखें सोचें रूम की तरह इमेजिन करो, रूम में लाके कोई एक चीज़ बीचों बीच रख दी, वो बीचों बीच जो रूम में चीज़ रखी गई है वो तो पूरे रूम के लिए है ना, उसे कोई और रूम तो शेयर नहीं कर रहा, बीचों बीच जो चीज़ रखी है वो तो उसी रूम में है। अगर आप किसी और रूम से देखोगे तो क्या वो आपको चीज़ दिखेगी, नहीं दिखेगी, क्योंकि वो पूरा एटम या वो पूरी बॉल या जो भी चीज़ आपने ला के रखी वो सिर्फ उसी के लिए है, रूम के लिए। तो उसी तरीके से यूनिट सेल को रूम समझ लीजिए। तो ये जो कॉर्नर पे थे, ये कॉर्नर पे कैसे हैं, जैसे आपके कॉर्नर होंगे छतों पे और नीचे जो कॉर्नर्स होते हैं उनमें लगाया गया था, तो ये इसका तो सिर्फ एक भाग 1/8 पार्ट आपको दिख रहा था एक रूम में से, लेकिन ये तो मैंने रूम के बीचों बीच ला के रखा है तो ये पूरा दिखेगा। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, पूरा 1 होगा। तो 8 कॉर्नर वालों का कंट्रीब्यूशन तो 1 हो गया, 8 × 1/8 प्लस बीच में एक जो एटम है वो हो गया, तो टोटल कितने हो गए, इन टोटल 2 एटम्स हो गए BCC में। क्लियर है, आसान है याद करना, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी।
अब चले फेस सेंटर पे। फेस सेंटर पे क्या होता है, फेस सेंटर में सबको याद रहा होगा कि प्रिमिटिव की तरह कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट थे और हर फेस पे प्रेजेंट थे। किस पे प्रेजेंट थे, हर फेस पे प्रेजेंट थे और सेंटर में प्रेजेंट थे। हर फेस के सेंटर का मतलब कैसे समझिए, रूम से ही समझिए, रूम से अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। आप एक रूम में बैठे थे और आपने क्या करा, छत पे से कोई एक चीज़ होल करके एक बॉल थी वो आपने ऐसे रख दी छत के बीचों बीच सेंटर में। आधी बॉल नीचे है, आधी बॉल ऊपर है। तो अगर मैं पूछूं कि नीचे से देखोगे तो बॉल कितनी दिखेगी, आधी दिखेगी। कंट्रीब्यूशन कितना आया नीचे से, आधा आया। अगर आप ऊपर से देखोगे तो कितनी बॉल दिखेगी आपको, आधी बॉल दिखेगी। तो ऊपर जो यूनिट सेल होगा, सपोज़ करो ऊपर भी एक और रूम है तो ऊपर जो यूनिट सेल होगा उसके लिए भी कंट्रीब्यूशन 1/2। तो हर फेस पे जो एटम प्रेजेंट होता है वो कितना कंट्रीब्यूशन देता है, अगर फेस के आप सेंटर पे रखते हो तो आधा देता है, हाफ देता है। ठीक, 8 × 1/8, तो कॉर्नर्स में जो एटम प्रेजेंट थे उनकी वजह से। प्लस कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, तो 6 एटम फेस के सेंटर पे रखे गए होंगे। तो 6 × 1/2 कितना हो जाएगा, टोटल 4 एटम्स आ जाएंगे आपके पास में, 3 यहाँ से और प्लस 1 यहाँ से, 4 एटम्स हो गए। ठीक है, FCC तक ये एंड सेंटर्ड का ज़रूरत नहीं पड़ेगी निकालने की, आप चाहें तो एंड सेंटर्ड में भी निकाल सकते हैं। ठीक, अब हम चल रहे हैं आगे। ये हो गया आपका एक पार्ट खत्म आज की वीडियो का। अब क्लोज पैक स्ट्रक्चर कर रहे हैं। क्लोज पैक स्ट्रक्चर क्या है, अब हम कोऑर्डिनेशन हम पढ़ के रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट की ज्योमेट्री सबको पता है कि कैसी होती है, क्लोज पैक्ड होता है। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वो किस तरीके से क्लोज पैक्ड होते हैं, मतलब उनकी ज्योमेट्री क्या होती है, किस तरीके की डायमेंशन होती है, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन, किस तरीके से वो अरेंज हो सकते हैं, वो सब चीज़ें एक एक करके क्लोज पैक स्ट्रक्चर में बड़े मज़ेदार तरीकों से समझने वाले हैं। चलिए देखिए क्या है क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। सबसे पहले क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन, आई होप सबको क्लियर होगा। फिजिक्स में क्लास 11th में आप चैप्टर पढ़ के आए हैं 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन वाला। ठीक, चलिए क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन में देखिए, 1 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग करनी है तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास में इस तरीके के एटम्स प्रेजेंट थे। मैं क्या कर सकता हूँ, लीनियरली तो अरेंज कर सकता हूँ, एक से एक जोड़ जोड़ के रखते चले जाते हैं। तो टू पैक स्फीयर्स इन 1 डायमेंशन वी हैव टू अरेंज देम इन अ रो एंड टचिंग ईच अदर, एक दूसरे को टच करते हुए आप एक रो में अरेंज कर दीजिए। ठीक, अब हर डायमेंशन, हर जो क्लोज पैकिंग होगी 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन, सब में हम आपको एक चीज़ बता के चलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। कोई भी एक एटम को पकड़ लीजिए आप, उसके आसपास हमेशा बीच वाले को ही देखना, कॉर्नर वाले को नहीं देखना। ठीक है, तो बीच वाले को किसी को भी देख सकते हो, कोने वालों को मत देखना, कन्फ्यूज़ हो गए फिर कोने वालों से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूटी में इधर भी और इधर भी, ये हमने एक पार्ट आपको बना के दिखाया है बस। तो अगर आप इस वाले को देखेंगे तो इस वाले के आसपास कितने आपको देख रहे हैं एटम, इससे जो टच हो रहे होंगे वो क्लियरली दिख रहा होगा, एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। ठीक, तो कितने एटम्स हो गए टोटल, टोटल हो गए अभी 2 एटम्स। तो कितने एटम्स हैं, एक एटम के टच में 2 एटम्स हैं, तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं, किसी को भी देख लो उसके बराबर में 2 रखें, हर कोई एटम जो है वो 2 एटम के बीच में रखा हुआ है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोल सकते हो आप, कि कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 2। तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर के डिफाइन को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 1 मार्क से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग में बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से आंसर कर सकते हो दैट कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 2। 1 डायमेंशन आसान था समझना, अब देखते हैं 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कैन बी जनरेटेड बाय स्टैकिंग द रोज ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर्स, दिस कैन बी डन इन 2 डिफरेंट वेज। अब 2 डायमेंशन का मतलब क्या है कि चीज़ ऊपर भी जाएगी, अभी लीनियरली अरेंज कर रहे थे, अब चीज़ों को ऊपर भी रखें, यानी कि लेयर के ऊपर लेयर लगानी शुरू करेंगे हम लोग। देखिए 2 तरीके हैं इसको अरेंज करने के, किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, दोनों में डायग्राम के हेल्प से समझेंगे एक को। पहला देखिए, पहला तरीका क्या होता है कि आपने ये वाली एक लेयर ली, उसी के बिल्कुल सेम ऊपर दूसरी लेयर लगा दी, सेम लेयर ऊपर लगाई गई है, इसलिए हम इसको भी ए बोल रहे हैं और इस वाली लेयर को भी हमने क्या नाम दिया है, ए ही नाम दिया है, क्योंकि एक ही जैसी लेयर है और एक के ऊपर एक स्टैक की जा रही है, एक के ऊपर एक ढेर लगाया जा रहा है। ठीक है, तो पहला तरीका क्या होता है, कीपिंग बोथ द रोज एग्जैक्टली 1 अबव द अदर, एक के ऊपर एक बिल्कुल जैसे रखी है नीचे वाली उसी के बिल्कुल समान तरीके से, सिमिलर वे में आप ऊपर वाली रो को अरेंज कर दीजिए। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर फिर से बताएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए, अब जैसे इन्होंने बना के भी दिखा रखा है, ये एक स्क्वायर बना रखा है, यहाँ पे ये स्क्वायर बना रखा है, इसे देखिए, इस स्क्वायर के बीच में जो एटम है ये वाला, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये भी ग्रीन है, क्योंकि ये वाला जो एटम है, ये जो एटम अगर इसके आसपास देखोगे आप तो कितने एटम्स अरेंज हैं, 4 एटम अरेंज है, कितने एटम है, 4 एटम अरेंज है। तो आप बोल सकते हो कि एक कोई भी एटम 4 एटम से सराउंडेड है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, यहाँ पे 4 है।
इसको नाम जो दिया जाता है वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग दिया जाता है। क्यों दिया जाता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग नाम? स्क्वायर क्लोज पैकिंग नाम इसका इसलिए है क्योंकि देख रहे होगे आप जो स्फेयर्स को ज्वाइन करने के बाद जो शेप बन रही है वो क्या बन रही है, किसी एक स्फेयर को बीच में रखते हुए बाकी सारे स्फेयर्स के अगर आप सेंटर ज्वाइन करते हो तो एक स्क्वायर ऑब्टेन करते हो। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग नाम रखा गया। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या होती है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, तो आप आसानी से बता सकते हो। तो ये तो था एक तरीका टू डायमेंशन का। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे देखिए दूसरा तरीका ये है कि मैं क्या करूँ, नीचे वाली लेयर के बीच में जो क्रिवाइसिस खाली हैं, जो वॉइड्स हैं, बीच में जगह खाली है, उन जगह में मैं एटम्स को फिट कर दूँ ऊपर वाली लेयर के। यानी कि एग्जैक्टली अब अपनी रख रहे हैं हम फर्स्ट लेयर के सेकंड लेयर, कुछ इस तरीके से रख रहे हैं कि जो फर्स्ट लेयर के बीच में जो खाली जगह रह गई स्फेयर्स के बीच में, उसमें स्फेयर्स फिट हो जाए। ठीक, तो ये एक अलग तरीके की लेयर है और हमने जो ऊपर वाली लेयर लगाई है वो कुछ अलग तरीके की लगाई है। इसीलिए इस पैकिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, ए बी टाइप पैकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए बी टाइप पैकिंग। मैंने लिखा नहीं है नोट्स में, आप चाहें तो इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं। इसमें ऐड कर सकते हैं ए टाइप पैकिंग और बी वाले में ऐड कर सकते हो ए बी टाइप पैकिंग। ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर देख लीजिए, बीच में एक जो एटम यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है ये वाला, ये देखो ऊपर दो, साइड में दो और नीचे दो, छह एटम से सराउंडेड है, छह एटम इससे टच हो रहे हैं, छह एटम इससे टच हो रहे हैं, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, 6 हो जाएगा। आगे चलते हैं, शेप देखिए क्या बन रही है यहाँ पे। अगर मैंने जैसे बोला था कि आप बीच में एक एटम को रखिए और बाकी जितने भी एटम वो सराउंड जिससे भी सराउंडेड है उनके सेंटर्स को मिला दीजिए, जो भी शेप बनती है आप उसको नाम दे सकते हो पैकिंग पे। तो इसमें यहाँ पे क्या बनी, शेप हमने सबके सेंटर मिलाए तो एक हेक्सागन बन गया, तो इसलिए यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा इसका, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो दो तरीके पढ़े हमने टू डायमेंशन में। सबसे पहला तरीका कौन सा था, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और दूसरा तरीका था क्या, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये दो डायमेंशन के दोनों तरीके हो गए। यही आपको नोट्स में नीचे लिखा के समझा रखा है, आपको ये डायग्राम बनाना है, अदरवाइज़ आप नोट्स पे पढ़ोगे नहीं समझ पाओगे इन चीज़ों को। ठीक, आगे चलते हैं, अब पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है और वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी अगर मैं पूरी इसमें कवर करूँगा क्लोज पैकिंग थ्री डायमेंशन को। तो कुछ पार्ट मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ थ्री डायमेंशन का, बाकी बचा हुआ पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक, क्लोज पैकिंग थ्री डायमेंशन में देखिए, 3D क्लोज पैकिंग कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम स्क्वायर क्लोज एंड हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स। जो आप ऊपर पढ़ के आए हो, 2D से ही तो 3D बनता है भाई, एक्स वाई एक्सिस पढ़ते थे उसी के बाद में ही तो पढ़ा था हमने, थ्री डायमेंशन की जेड एक्सिस भी आ जाती है, तो 2D से ही 3D बनाएंगे। 2D में कौन कौन से पढ़ के आए हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से बनाना सीखेंगे और स्क्वायर क्लोज पैकिंग से बनाना सीखेंगे किस किस तरीके से बन सकता है। पहला देखिए, 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स। हम लोग स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर से बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे देखिए, द सेकंड लेयर इज प्लेस एग्जैक्टली ओवर द फर्स्ट लेयर सच दैट द स्फेयर्स ऑफ द अपर लेयर आर एग्जैक्टली ओवर द फर्स्ट लेयर। सबको पता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या था, हम लोग इस तरीके से पैक कर रहे थे कि फर्स्ट लेयर के जस्ट एग्जैक्टली, जैसे फर्स्ट लेयर रखी है एग्जैक्टली अबव उसके सेकंड लेयर लगा दे रहे थे, उसी तरीके से लगा रहे हैं। बस अब थ्री डायमेंशन करना है ना, तो हमने क्या करा था, सिर्फ ऊपर लगाई थी ना उसके, अब क्या कर देंगे पीछे भी लगा देंगे उसके। नहीं समझ में आया, देखिए एक डायग्राम दिखाएंगे, समझाने का काम है हमारा, तो डायग्राम की हेल्प से समझाएंगे। ये देखिए डायग्राम, ये है आपका डायग्राम उसके लिए, थ्री डायमेंशन के लिए जो हमने किससे बना रहे हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग से बना रहे हैं। आप ये देखिए कि एक तरीके की लेयर, सेम तरीके से दूसरी लेयर लगा दी, सेम तरीके से उसके ऊपर तीसरी लेयर लगा दी, सेम तरीके से उसके ऊपर चौथी लेयर लगा दी। अगर आप ये पीछे वाली लेयर भूल जाओ तो ये क्या था, 2D था और स्क्वायर क्लोज पैकिंग था, लेकिन हमने क्या कर दिया, अब इसी तरीके से इसके पीछे भी सिमिलर लगा दी, इसके पीछे भी हम लोग यही सेम लगाते चले गए, तो ये क्या बन गया, ये क्यूब बन गया। और क्यूब किस तरीके का स्ट्रक्चर है, एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो इसीलिए आप बोल सकते हो कि हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग से क्या बना दिया, एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना दिया। तो जो मैं ऊपर बता रहा था आपको यहाँ पे, वो ये डायग्राम से आपको समझ में आता है। ठीक है, एग्जैक्टली ऑफ द फर्स्ट लेयर इन दिस अरेंजमेंट स्फेयर्स ऑफ बोथ द लेयर आर परफेक्टली अलाइंड हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। स्फेयर जो होंगे दोनों लेयर के, वो आप लोग किस तरीके से अलाइन करोगे, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरीके से अलाइन करके जब ही रखोगे, टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए, इधर उधर निकल रहे हैं भाग रहे हैं, तो थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री नहीं बनेगी, वो कुछ अलग ही बन जाएगा अपना। ठीक है, खेलने के लिए खिलौना। तो यहाँ पे याद रखना है कि आप लोग वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से उसे क्या करोगे, अटैच करोगे या अरेंज करोगे इस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे चल रहे हैं। उसके बाद थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर सीखते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर में थोड़ी कहानी टेढ़ी है, जितनी आसानी से स्क्वायर क्लोज पैकिंग से समझ में आ गया था उतनी सी समझ में नहीं आने का, और ये चीज़ लेंदी भी है। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं, दिमाग खोल के समझने की कोशिश करिएगा।
इसमें भी बहुत सारे टाइप्स हैं कि हेक्सागोनल क्लोज पैक में ये पहला टाइप है कि हम किस तरीके से बना रहे हैं, प्लेसिंग द सेकंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। सेकंड लेयर को क्या रख रहे हैं, ऊपर रख रहे हैं फर्स्ट लेयर के। क्या है, किस तरीके से रख रहे हैं, देखते हैं। ये देखिए डायग्राम को, ये है डायग्राम उसका। ये देखिए आप जो दो कलर में आपको देख रहे होंगे, आप पहले लाइट वाला देखिए, डार्क वाला भूल जाओ कि दिख रहा है आपको। क्या था इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग टू डायमेंशन में क्या सिखाया था मैंने आपको, कि क्या करते हैं हम लोग इस तरीके से पैक करते हैं कि एक लेयर लगाई, उसके बीच में जो जगह खाली थी, स्फीयर्स के बीच में जो जगह खाली रहती है, उसमें दूसरी लेयर फिट कर दी, फिर पहली लेयर लगाई, फिर दूसरी लेयर फिट कर दी। कुछ इस तरीके से अरेंज करते हैं हम लोग लेयर्स को। लेकिन ये तो 2D बन रहा है, 3D बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके आगे पीछे ऊपर नीचे समझ लो या आगे पीछे से समझ लो। यहाँ ऊपर नीचे से बोल रहे हैं, मैंने ज़मीन पे बिछाई थी वो लेयर तो 2D थी, अब मैं उसके ऊपर लगाता चला जाता हूँ तो 3D बन जाएगी। तो मैं उसके ऊपर सिमिलर एक उसी तरीके की लेयर ला के मैंने अरेंज कर दी। ठीक, वो कौन सी लेयर ला के मैंने अरेंज करी है, वो ये करी है डार्क वाली ला के। डार्क वाली जो है वो उसके ऊपर वाली लेयर है, फिर से आप लाइट वाली लगाओगे इस डार्क वाले के ऊपर, फिर डार्क वाली, फिर लाइट वाली, और इस तरीके से क्या बन जाएगा, ये भी एक 3D ज्योमेट्री आपके पास में ऑब्टेन हो जाएगी। होप आप समझ पा रहे होंगे, ये 3D चीज़ें हैं तो ये उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं होंगी मुझे पता है, लेकिन रिपीट करके देखने की कोशिश करना, चीज़ों को समझने की कोशिश करना, क्योंकि एक मार्क्स से क्वेश्चन बन सकते हैं कहीं से भी आप। ठीक है, वो जो 20 मार्क्स का सेक्शन खतरे वाला घंटी है, जो खतरे वाला जो सेक्शन है, वो कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकते हैं। तो हर चीज़ को बिल्कुल बारीकी से समझ के आपको चलना है। अब ये OOT क्या लिख रहा है, ये सब चीज़ें बताएंगे एक एक करके, नीचे चलते हैं। देखिए जब इस चीज़ हम लोग करते हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टोहेड्रल वॉइड्स बन जाते हैं, जो कि टी और ओ से अरेंज नेम्ड हैं आपके फिगर में ऊपर। अभी दोबारा चलेंगे फिगर पर, पहले पढ़ लेते हैं टेट्राहेड्रल और ऑक्टोहेड्रल वॉइड होते क्या है। टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है, वेयर एवर ए स्फीयर ऑफ द सेकंड लेयर इज अबव द वॉइड ऑफ द फर्स्ट लेयर अ टेट्राहेड्रल वॉइड इज फॉर्म्ड। टेट्राहेड्रल वॉइड कब बनता है, जब कभी भी स्फीयर सेकंड लेयर का फर्स्ट लेयर के स्फीयर के ऊपर आ जाता है, तो जो वॉइड बनता है वो टेट्राहेड्रल बनता है। नहीं आई बात समझ में, बिल्कुल नहीं आई होगी, डायग्राम से देखिए। टी दिख रहा है आपको, ये टी जितने भी हैं वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसे हैं, क्या बताया अभी नीचे टेट्राहेड्रल वॉइड्स की डेफिनेशन में, दोबारा देखिए। वेन एवर या वेयर एवर स्फीयर ऑफ द सेकंड लेयर इज अबव द वॉइड ऑफ द फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर का स्फीयर अगर पहली लेयर के वॉइड के ऊपर आ जाता है। सेकंड लेयर कौन सी है बच्चों, यहाँ पे जो डार्क वाली है ये सेकंड लेयर है, और ये जो लाइट वाली है ये फर्स्ट लेयर है। ठीक है, तो अगर सेकंड लेयर का स्फीयर फर्स्ट लेयर के वॉइड के ऊपर आ जाए, वॉइड समझ में आ रखा है सबको, जो मैं ये बना रहा हूँ बीच में खाली जगह जहाँ पे भी टी और ओ लिखा है, दीज आर कॉल्ड एज वॉइड्स। मतलब आपने इस तरीके से बनाई स्फीयर्स, ये स्फीयर्स बनाने के बाद में बीच में जो जगह रह जाती है, ये देखिए यहाँ पे जो जगह रह गई, ये ग्रीन से जो मैं दिखा रहा हूँ, ये जगह को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं। ठीक, तो टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या होता है, ये जो सेकंड लेयर का स्फीयर है ये पहली लेयर के वॉइड के ऊपर आ जाता है। ये देखो ये सेकंड लेयर का स्फीयर है, ये टी जहाँ पे लिखा है ये इसको कवर अप कर रहा है। तो ऐसा कोई भी वॉइड जो सेकंड लेयर के स्फीयर, जिस वॉइड को भी आप कवर अप कर दोगे सेकंड लेयर के स्फीयर से, वो जो वॉइड नीचे दब गया, दैट वॉइड विल बी कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल वॉइड। समझ में आई बात, जब सेकंड लेयर आपने फर्स्ट लेयर के वॉइड्स के ऊपर रख दी, तो जो स्फीयर, जिस स्फीयर ने वो वॉइड दबा दिया, उस वॉइड को हम लोग बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। क्यों बोला गया उसे टेट्राहेड्रल वॉइड, देखो टेट्राहेड्रल वॉइड इसलिए बोला गया क्योंकि जब आप ज्योमेट्री को समझोगे इसकी, तो टेट्राहेड्रन बनता है। एक कैसे बनता है टेट्राहेड्रन, ये देखो ये फर्स्ट लेयर है यहाँ पे ब्लू वाली जो दिखाई है, और ये क्या है, ये जो रेड वाली दिखाई है ये सेकंड लेयर है। यहाँ देखो छोटा डायग्राम दिखाया, तो यहाँ से क्लियर हो रहा होगा। पहली लेयर के ऊपर सेकंड लेयर का स्फीयर आ गया, पहली लेयर की वॉइड के ऊपर सेकंड लेयर का स्फीयर आ गया। किस तरीके से आया, इस तरीके से आया कि उसने उसका वॉइड जो है वो ढक दिया। ठीक, तो यहाँ पे ये जो बनेगा, ये जब जब ज्योमेट्री बनाने की कोशिश करते हैं इसकी, तो क्या बन जाता है, एक ट्राइंगल बन जाता है। ये देखो एक ही तो ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे। अगर मैं इस तरीके से आप बना के देखोगे, ये कॉन्टैक्ट में रख के बना दिए मैंने, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है। तो ये ट्राइंगल नहीं है, ये टेट्राहेड्रन है, क्योंकि ये 3D ज्योमेट्री है। ठीक है, ये 3D है, 2D होता तो आप ट्राइंगल बोल सकते थे इसको, और ये लेकिन 3D है तो ये टेट्राहेड्रन की तरह बनता है। तो इसीलिए इस वॉइड का नाम क्या रखा गया है, टेट्राहेड्रल वॉइड। और जो होल यहाँ पे होता है, ये जो छेद यहाँ पे होता है, उसको हम लोग टेट्राहेड्रल होल बोलते हैं। आई होप टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्लियर हुए होंगे। टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्लियर हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स समझ लो फिर। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या हैं, जो दूसरे वॉइड्स बचे। भाई ऐसा होगा जब आप इस तरीके से अरेंज करने चलोगे ना, तो कहीं पर आप ऐसा भी ऑप्टेन करोगे जगह जहाँ पर एक नीचे वाली लेयर के वॉइड के ऊपर ही
ऊपर वाली लेयर का वॉइड आ जाएगा। देखो कहाँ हो रहा है ऐसे, जहाँ कहीं भी ओ लिखा है वहाँ कहीं, वहाँ हर जगह आपको इस तरीके का दिख रहा होगा। नीचे वाली लेयर कौन सी है, लाइट ग्रीन लेयर, सॉरी लाइट रेड, और ऊपर वाली लेयर कौन सी है, डार्क रेड। और ओ कहाँ पे लिखा है, देखो जहाँ पे दोनों लेयर के वॉइड्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ बोलोगे कहाँ बनता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड वहाँ बनता है जहाँ पे एक लेयर के वॉइड के ऊपर दूसरी लेयर के भी वॉइड क्या हो जाए, आ जाए, यानी कि वॉइड्स एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। या जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, भाई ट्राइंगल बनता है ना एक लेयर से, जब तीन स्फीयर मिलाओगे बीच में जो वॉइड होता है वो ट्राइंगल बनाता है, अभी दिखाया था, वो ट्राइंगल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करें लेकिन उनकी जो ट्राइंगुलर एक्सेस है वो अलग अलग होनी चाहिए। मतलब एक ट्राइंगल अगर आपका ऐसे है तो दूसरा ट्राइंगल आपका कैसे होगा, दूसरा ट्राइंगल ऐसे होगा, वो क्लियरली दिख रहा होगा इमेज में आपको, ठीक है। एक की पॉइंट जो है ऊपर फेस कर रही है लाइट लेयर की, फर्स्ट लेयर की, और जो सेकंड लेयर है उसकी पॉइंट जो है, हेड जो है वो डाउनवर्ड फेस कर रहा है। इस तरीके से जो वॉइड बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे। क्लियर बातें, चलिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड की डेफिनेशन भी पढ़ देते हैं। द प्लेस वेयर द ट्राइंगुलर वॉइड्स ऑफ द सेकंड लेयर आर ऑफ द ट्राइंगुलर वॉइड्स इन द आर ऑफ द ट्राइंगुलर वॉइड्स ऑफ द फर्स्ट लेयर, एक सेकंड वेट करिएगा, आर अबव द ट्राइंगुलर वॉइड्स ऑफ द फर्स्ट लेयर देन द ट्राइंगुलर शेप्स ऑफ दीज डू नॉट ओवरलैप। और किस तरीके से होना चाहिए, कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि इनकी जो ट्राइंगुलर शेप है वो ओवरलैप नहीं करनी चाहिए। तो जो वॉइड बनेंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे। और शेप बनती है जो, वो ऑक्टाहेड्रन बनती है, इसीलिए इसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोला जाता है। कैसे बनती है ऑक्टाहेड्रन शेप, देखिए एक ट्राइंगल, ये देखो ये दिख रहा होगा आपको ऊपर वाला जो दिखा है, एक डॉटेड ट्राइंगल दिखा है पीछे की तरफ, जो डॉटेड ट्राइंगल दिखा है वो किसका है, वो नीचे वाली लेयर का है, और जो सॉलिड ट्राइंगल दिखा है वो कौन सी लेयर का है, वो ऊपर वाली लेयर का है। तो इन दोनों ट्राइंगल को मिला के जब हम लोग एक थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री बनाते हैं, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो क्या बनता है, एक ऑक्टाहेड्रन बनता है। क्या बनता है, एक ऑक्टाहेड्रन बनता है। तो ये ऑक्टाहेड्रन ही क्या करता है, इसको नाम दे देता है ऑक्टाहेड्रल होल, और वॉइड को नाम दे देता है क्या, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियरली सबको समझ में आ गई होंगी बातें कि क्या ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, क्या टेट्राहेड्रल वॉइड है। किसी को नहीं समझ में आया है तो वो वीडियो को प्लेबैक करके देखिए, दोबारा से चला के देखिए, जहाँ से चीज़ें नहीं समझ में आई थी उसके बाद भी नहीं आता, तो आई एम देयर टू हेल्प यू। आप कमेंट करिए वीडियो के नीचे, मैं कुछ कोशिश करूँगा दूसरे तरीके से बेस्ट तरीका लेके आते हैं आपको समझाने के लिए। और एक बात बताने के लिए क्या रह गई यहाँ पे, कि अगर आपने क्या बोला, लेट द नंबर ऑफ क्लोज पैक स्फीयर्स बी एन, अगर मैं एन स्फीयर्स की पैकिंग करके ये जो डायमेंशन ज्योमेट्री बना रहा था, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो आपको पढ़ा रहा हूँ अभी मैं, अगर सपोज करो मैंने एन स्फीयर्स लगाए हैं, तो इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो जनरेट होंगे वो एन होंगे, और टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट होंगे 2n होंगे। क्यों हो रहा है ऐसे भाई, हमें नहीं समझ में आया ये एन 2n कहाँ से आ गए। देखिए भाई टेट्राहेड्रल वॉइड्स कब बन रहे थे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स हर लेयर बना रही थी अपने, हर लेयर अपने टेट्राहेड्रल वॉइड्स बना रही थी, ऊपर वाली भी नीचे वाली भी, ठीक दिख रहा होगा आपको क्लियरली। टी आप यहाँ पे देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको टी, देखिए यहाँ पे ये वाला जो टी लिखा है, ये टी लिखा है किसके लिए, टेट्राहेड्रल वॉइड बना रही है जो फर्स्ट लेयर, यहाँ कहीं भी तो टी लिखा है, ये टी किसके लिए लिखा है, जो सेकंड लेयर बना रही है, यानी कि फर्स्ट लेयर अपने अलग टेट्राहेड्रल वॉइड बना रही है, सेकंड लेयर अपने अलग टेट्राहेड्रल वॉइड बना रही है। लेकिन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कब बन रहे हैं, जब दोनों लेयर मिल रही हैं, ये देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इस वाले ऑक्टाहेड्रल वॉइड को नोटिस करिए, जब दोनों लेयर मिल रही हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहे हैं। तो इसीलिए क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड दोनों लेयर बनाती हैं तो वो क्या होते हैं, इसलिए वो ट्वाइस बनते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, इसीलिए कितने बनेंगे 2n बनेंगे। लेकिन जितने नंबर ऑफ स्फीयर्स हैं उतने ही क्या बनेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनेंगे। तो अगर आप मुझसे क्वेश्चन में बोलता है कि कितने स्फीयर्स हैं, मैंने 500 स्फीयर की पैकिंग करके क्या बनाया, एक थ्री डायमेंशन इस तरीके का कुछ ज्योमेट्री बनाई, तो बताइए ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, 500 होंगे। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, 500 स्फीयर्स लिए थे तो 500 × 2 1000 टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएंगे। क्लियर, इतना सबको समझ में आया होगा आई होप। अगर किसी को कुछ भी नहीं आया तो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, क्योंकि बहुत बच्चों को इन सब चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम होती है, और बेस्ट से बेस्ट तरीका है, लास्ट वीडियो में भी बेस्ट तरीका दिया गया था वो टेबल याद करने में, अच्छे अच्छे बच्चों के छक्के छूट जाते हैं, लेकिन मेरे को पता है कि मेरे स्टूडेंट्स उन्हें अच्छे से याद कर लेंगे, जो भी मेरे स्टूडेंट्स वीडियो से उस टेबल को याद करने जाएंगे। और अगर क्वेश्चन आया तो पक्का आप लोग एक नंबर भी लेके आओगे इस क्वेश्चन पर बेस्ड। सब नोट कर लेना यहाँ से, किसी को कोई प्रॉब्लम आए कमेंट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।